नमस्कार, द पावर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रकाश का परावर्तन तथा परावर्तन के नियम के बारे में जानेंगे। और पिछले वीडियो मैंने प्रकाश के बारे में बताया था, वहाँ पर मैंने बताया था कि प्रकाश क्या होता है, ऊर्जा होता है। ये क्या करता है कि जो हमारी नेत्र है उसको जागृत करता है, जिसके वजह से हम वस्तुओं को देख पाते। तो हम लोग जो है समझते हैं एग्जाम्पल के जरिए कि ये जो प्रकाश है वो हमारे नेत्र को किस प्रकार से जागृत करता है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, एक वस्तु रखा है। क्या रखा है मैंने यहाँ पर, एक वस्तु। तो यहाँ से क्या किया, कोई लाइट जलाया। ठीक है, जब ये लाइट जलाया तो इस वस्तु पर पड़ा लाइट, तो फिर क्या होता है, टकरा कर हमारे आँखों में पड़ती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे नेत्र है वो क्या हो जाता है, जागृत होता है, या मतलब देख पाता है, है ना। तो इसी को ही बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश जब वस्तु पर टकराता है और हमारे आँखों में पड़ती है तो उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए इसका डिफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक्चुअली में किसी भी वस्तु को देख पाते हैं तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब क्या होता है कि लाइट जलाएं, टकराकर क्या होता है, किरण जब हमारे आँखों पर पड़ती है, जागृत होती है उस प्रकाश के जरिए से, तो ये क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, आप डिफिनेशन समझ गए होंगे, क्योंकि मैं एग्जाम्पल इतना अच्छा समझाता हूँ कि डिफिनेशन को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये दिमाग में आप अपने आप बैठ जाता है। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं परावर्तन के नियम। तो मैं इन दोनों नियम के बारे बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर समझ गए हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। देखिए ये जो आपको दिख रहा है सतह, इसको दर्पण या फिर चमकीला सतह भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक साइड में पॉलिश किया हुआ होता है, जैसे कि आप आईना में देखते हैं कि एक साइड में क्या होता है कि पॉलिश किया हुआ होता है, एक साइड नहीं किया हुआ होता है, तब ना अपना चेहरा को देख पाते। तो इसी प्रकार यहाँ भी है, क्या है, समतल दर्पण या चमकीला सतह है ना। जब क्या होता है कि प्रकाश की किरण इस पर टकराती है, तो ये जो किरण, जब टकराने वाला किरण जो है यहाँ पर आती है तो इसको बोलते हैं आपतित किरण, और टकराने के बाद उसी दिशा में जब वापस लौटती है तो उसको परावर्तित किरण बोलते हैं, है ना। और हमने क्या किया कि आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच एक क्या किया, काल्पनिक रेखा खींचा। इसी काल्पनिक रेखा को अभिलंब मान लेते हैं, है ना। और ये जो तीनों लाइन जो है वो जिस बिंदु पर, उसको क्या बोला जाता है, आपतन बिंदु बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है जिसको आपतन कोण कहा जाता है, इसे आई से लिखा जाता है। और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच यहाँ पर एक कोण बनता है, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण बनता है, जिसको आर से लिखा जाता है। ये दोनों कोण जो है वो क्या होता है, बराबर होता है। यदि इसका मान लो 20 डिग्री है तो इसका भी कितना डिग्री होगा, 20 डिग्री। अगर इसका 30 है तो इसका भी 30 होगा, मतलब दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ये हुआ पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है कि आपतित किरण, क्या हुआ, आपतित किरण और दर्पण पर आपतन बिंदु और अभिलंब परावर्तित किरण सभी क्या होता है, एक ही तल में होते हैं, क्या होता है, इसी तल में होंगे। ठीक है, ये हुआ दूसरा नियम। अब हम लोग यहाँ समझते हैं पहला क्या होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कोण एंगल आई बराबर कोण एंगल आर, इसका मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, दूसरा नियम क्या होता है कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आई होप जो मैंने इस वीडियो में आपको जानकारी दिया है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि कोई डाउट है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आज का वीडियो समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।